हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड स्टोरेज ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रोलिसिस एंड स्टोरेज ऑफ बैटरी। दोस्तों, इसमें 130 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आप कोई भी एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो उसमें वो सारे एग्जाम क्या है कवर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आए। इस टॉपिक से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 130 में से जरूर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही ध्यान से देखें आप। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों। माई नेम इज प्रवंत कुमार राजपूत एंड माई चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आपको सिर्फ वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द एबव स्टेटमेंट इज एसोसिएट विथ न्यूटन्स लॉ, फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, गॉस लॉ। दोस्तों, आंसर क्या होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड क्वेश्चन, द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज डैश कॉन्स्टेंट। टाइम, फैराडे, बोल्टमैन्स। आंसर इज फैराडेज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ लेड एसिड सेल, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ लेड एसिड सेल, ऑप्शन ए इट्स वोल्टेज इंक्रीज, इट्स गिव्स आउट एनर्जी, इट्स कैथोड बिकम डार्क चॉकलेट ब्राउन इन कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। आंसर इज इट्स वोल्टेज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 4। द कैपेसिटी ऑफ अ लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ डिस्चार्ज, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल। आंसर इज, दोस्तों आंसर क्या होगा इसका, रेट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ लेड एसिड बैटरी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन द सेम, बिकम्स 0। आंसर इज इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 6। द एक्टिव मटेरियल ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ अ फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी आर लेड एंड लेड परोक्साइड, लेड सल्फेट एंड लेड, लेड परोक्साइड एंड लेड, नन ऑफ द अबव। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन अ लेड एसिड बैटरी इज इन फुली चार्ज कंडीशन द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट इज डार्क ग्रे, ब्राउन, डार्क ब्राउन, नन ऑफ द अबव। आंसर इज डार्क ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 8। द एक्टिव मटेरियल ऑफ अ निकल आयरन बैटरी, द एक्टिव मटेरियल्स ऑफ अ निकल आयरन बैटरी आर निकल हाइड्रोक्साइड, पाउडर आयरन एंड एक्स ऑक्साइड, 21% सॉल्यूशन ऑफ KOH, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9। द रेशियो ऑफ एम्पियर आवर एफिशेंसी टू वॉट आवर एफिशेंसी ऑफ अ लेड एसिड सेल इज ऑप्शन ए जस्ट 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, नन ऑफ द अबव। आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 10। द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन अ लेड एसिड बैटरी इज गिवन बाई आउटपुट वोल्टेज, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नन ऑफ द अबव। आंसर इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 11। द स्टोरेज बैटरी
स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज, ऑप्शन ए निकल कैडमियम बैटरी, जिंक कार्बन बैटरी, लेड एसिड बैटरी, नन ऑफ द अबव। आंसर इज लेड एसिड बैटरी। क्वेश्चन नंबर 12, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ चार्जर इज लेस देन बैटरी वोल्टेज, हायर देन बैटरी वोल्टेज, द सेम एज द बैटरी वोल्टेज, नन ऑफ द अबव। आंसर इज हायर देन बैटरी वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 13, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू, ऑप्शन ए इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, इंक्रीज द करंट रेटिंग, इंक्रीज द लाइफ ऑफ सेल, नन ऑफ द अबव। आंसर इज इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, 5-2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द आउटपुट वोल्टेज इज, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन ए 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.75 वोल्ट, 2 वोल्ट। आंसर इज 2 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द कैपेसिटी ऑफ अ वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, एम्पेयर आवर रेटिंग, नन ऑफ द अबव। आंसर इज एम्पेयर आवर रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ निकल आयरन सेल, ऑप्शन ए कोरोसिव फॉर्म्स आर पाउंडेड, वाटर इज नाइदर फॉर्म नॉर एब्जॉर्ब, निकल हाइड्रोक्साइड रिमेन अनस्पिल्ट, इट्स ईएमएफ रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आंसर इज वाटर इज नाइदर फॉर्म्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड। क्वेश्चन नंबर 17, एज कंपेयर टू कॉन्स्टेंट करंट सिस्टम, द कॉन्स्टेंट वोल्टेज सिस्टम ऑफ चार्जिंग अ लेड एसिड सेल हैज द एडवांटेज ऑफ, ऑप्शन ए रिड्यूसिंग टाइम ऑफ चार्जिंग, इंक्रीज सेल कैपेसिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन डी अवॉइडिंग एक्सेसिव गेसिंग। आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18, अ डेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिवाइव्ड बाय, अ डेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिवाइव्ड बाय, ऑप्शन ए एडिंग डिस्टिलाइड वाटर, ऑप्शन बी एडिंग सो कॉल्ड बैटरी रिस्टोरर, ऑप्शन सी अ डोज ऑफ H2SO4, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, एज अ कंपेयर्ड टू अ लेड एसिड सेल, द एफिशिएंसी ऑफ अ निकल आयरन सेल इज लेस ड्यू टू इट्स, ऑप्शन ए कॉम्पैक्टनेस, लोअर ईएमएफ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, हायर इंटरनल रेजिस्टेंस। आंसर इज हायर इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20, टिकल चार्जिंग ऑफ अ स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू मेंटेन प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इंक्रीज इट्स रिवर्स कैपेसिटी, प्रिवेंट सल्फेशन, keeps it fresh and fully charged. Answer is keep it fresh and fully charged. 21, those substances of the cell which take active part in chemical combination and hence produce electricity during charging or discharging are known as this material, option passive, active, redundant, inert. Answer is active materials. Question number 22, in a lead acid cell dilute sulfuric acid approximately comprise the following, option A one part H2O, three part H2SO4, two part H2O, two part H2SO4, three part H2O, one part H2SO4, all H2SO4. Answer is three part H2O, one part H2SO4. Question number 23, it is noticed that
ड्यूरिंग चार्जिंग, ऑप्शन ए, देयर इज अ राइज इन वोल्टेज, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 इज इंक्रीज्ड, द एनोड बिकम्स चॉकलेट ब्राउन इन कलर एंड कैथोड बिकम्स ग्रे मेटेलिक लेड. ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द अबव. All of the above. Question number 24. It is noticed that during discharging of the following does not happen. Both anode and cathode become PbSO4. Specific gravity of H2SO4 decreases. Voltage of the cell decreases. This cell absorbs energy. Answer is option D. 25 question. The ampere hour efficiency of a lead acid cell is normally between 20 to 30%, 40 to 50%, 60 to 70%, 90 to 95%. Answer is 90 to 95%. Question number 26. The watt hour efficiency of a lead acid cell varies between 25 to 30%, 40 to 60%, 70 to 80%, 90 to 95%. Answer is 70 to 80%. Question number 27. The capacity of a lead acid cell is measured in amperes, ampere hours, watt hours. Answer is ampere hours. Question number 28. The capacity of a lead acid cell depends on rate of discharge, temperature, density of electrolyte, quantity of active material, all of the above. Answer is all of the above. Question number 29. When the lead acid cell is fully charged, the electrolyte assumes dash appearance, dull, reddish, bright, milky. Answer is option D, milky. Question number 30. The AF of an addition cell when fully charged is nearly 1.4 volt, 1 volt, 0.9 volt, 0.8 volt. Answer is 1.4 volt. The internal resistance of an alkaline cell is nearly 10 times that of the lead acid cell. 2, 3, 4, 5. Answer is 5 times. Question number 32. The average charging voltage for alkyl cell is about 1.2 volt, 1.7 volt, 2.1 volt. Answer is 1.7 volt. 33 question. On the average, the ampere hour efficiency of an addition cell is about 40%, 60%, 70%, 80%. Answer is 80%. 34 question. The active material of the positive plate of silver zinc batteries is silver oxide, lead, zinc powder. Answer is silver oxide. 35 question. Lead acid cell has a life of nearly charge and discharges 500, 700, 1000, 12,050. Answer is 12,050, 1250. 36 question. Life of the addition cell is at least 5 years, 7 years, 8 years, 10 years. Answer is 5 years. 37. The internal resistance of a lead acid cell is that of addition cell. Less than, more than, equal, none of the above. Answer is less than. Electrolyte used in an addition cell is NaOH, KOH, HCl, HNO3.
आंसर इज HCl. 39 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ लेड एसिड सेल इज NaOH, ओनली H2SO4, ओनली वाटर डाइल्यूट H2SO4. आंसर इज डाइल्यूट H2SO4. 40 क्वेश्चन, नेगेटिव प्लेट ऑफ एन एडिशन सेल इज मेड ऑफ कॉपर, लेड, आयरन, सिल्वर ऑक्साइड. आंसर इज आयरन. 41 क्वेश्चन, द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ एन एनी स्टोरेज सेल डिपेंड्स होली अपॉन इट्स, ऑप्शन ए इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, ऑप्शन बी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट, इट्स टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. 42 क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, अ मैकेनिकल गेज, हाइड्रोमीटर, सिक्रोमीटर. आंसर इज हाइड्रोमीटर. 43 क्वेश्चन, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ लेड एसिड सेल इज रिड्यूस्ड टू 1.1 to 1.5, द सेल इज इन चार्ज स्टेट, डिस्चार्ज स्टेट, बोथ ए एंड बी एक्टिव स्टेट. आंसर इज डिस्चार्ज स्टेट. इन दिस सिस्टम द चार्जिंग करंट इज इंटरमिटेंटली कंट्रोल्ड एट आइदर अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, टू रेट चार्ज कंट्रोल, ट्रिकल चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज एंड इक्वलाइजिंग चार्ज. आंसर इज टू रेट चार्ज कंट्रोल. 45 क्वेश्चन, ओवर चार्जिंग, ऑप्शन ए प्रोड्यूस एक्सेसिव गैसिंग, लूजनेस ऑफ एक्टिव मटेरियल, इंक्रीज द टेम्परेचर रिजल्टिंग इन बकलिंग ऑफ प्लेट्स, ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. 46 क्वेश्चन, अंडर चार्जिंग, ऑप्शन ए रिड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रोड्यूस एक्सेसिव गैसिंग, इंक्रीज द टेम्परेचर. आंसर इज रिड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. 47 क्वेश्चन, इंटरनल शॉर्ट सर्किट आर कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए ब्रेकडाउन ऑफ वन और मोर सेपरेटर, एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द सेल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. आंसर इज बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 48, द इफेक्ट ऑफ सल्फेशन इज that the internal resistance increases, decreases, remains same, none of the above. Answer is increases. 49 question, excessive formation of lead sulfate on the surface of plates happen because of option A, allowing a battery to stand in discharge condition for a long time, topping up with electrolyte persistence under charging, low level of electrolyte, all of the above. Answer is all of the above. Question number 50, the substance which combine together to store electrical energy during the charge are called that material, active, passive, inert, dielectric. Answer is active materials. 51 question, in a lead acid cell, lead is called as positive active material, negative active material, passive material, none of the above. Answer is negative active material. 52, the lead acid cell should never be discharged beyond 1.8 volt, 1.9 volt, 2 volt, 2.1 volt. Answer is 1.8 volt. Of 53 question, on charging a battery, option A, it will bring about chemical charge change in active material, it will increase the capacity of battery, it will raise the specific gravity of the electrolyte, none of the above will occur. Answer is none of the above will occur. 54 question, each cell
हैज अ वेंट कैप, ऑप्शन ए टू अलाउ गैसेस टू आउट व्हेन द सेल इज ऑन चार्ज, टू ऐड वाटर टू द सेल इफ नीडेड, टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टू ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज ऑप्शन डी. 55 क्वेश्चन, फॉलोइंग विल ऑकर इफ लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉल्स बिलो प्लेट्स. ऑप्शन ए कैपेसिटी ऑफ द सेल इज रिड्यूसेस, लाइफ ऑफ सेल इज रिड्यूसेस. ऑप्शन सी ओपन प्लेट आर कन्वर्ट टू लेड सल्फेट, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. 56 क्वेश्चन, इन कॉन्स्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड द चार्जिंग करेंट फ्रॉम डिस्चार्ज टू फुली चार्ज कंडीशन, आंसर इज और डिक्रीजेस इंक्रीजेस रिमेन कॉन्स्टेंट, नन ऑफ द अबव, आंसर इज डिक्रीजेस. 57 क्वेश्चन, 48 ampere hour capacity would deliver a current of 48 amperes for 1 hour, 24 amperes for 2 hours, 8 ampere for 6 hours, 6 ampere for 8 hours. Answer is 6 ampere for 8 hours. 58 question. In constant current charging method, the supply voltage from discharge to fully charge condition, option A decreases, increases, remain constant, none of the above, answer is option B. 59 question, battery charging equipment generally installed, option A in well ventilated location, in clean and dry place, as near as practical to battery being charged, in locating having all above features, answer is option D. Question number 60, following will happen if the specific gravity of electrolyte becomes more than 1.23. option A loss of capacity, loss of life, corrosion of the grid of the plate, all of the above, answer is all of the above. 61 question, battery are charged by, option A rectifiers, engine generator sets, motor generator sets, any one of the above methods, answer is any one of the method of above. तो दोस्तों वीडियो, चूँकि इसमें 130 क्वेश्चन है, तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा. तो दोस्तों मैं इसको दो पार्ट में रखूँगा, ओके फ्रेंड्स. और आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. चैनल का नाम है PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके फ्रेंड्स. तो दोस्तों आप ये पार्ट ज़रूर देखें, और इसका सेकेंड पार्ट एक दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, तो आप वो पार्ट भी देखना ना भूलें. आप यदि पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तभी जाके आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा. थैंक यू दोस्तों.